हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बताओ, गुड तालिबान, बैड तालिबान करने वाले आज पाकिस्तानी क्यों तालिबान से कांप रहे हैं? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया जाएगा। आप कहेंगे ये कैसा कानून है, कश्मीर की बात सोचेंगे? नहीं, जहां सेना खड़ी हो गई ना, वो रिप्लेस कर देती है भारत के मूल अधिकार। कदा संविधान लागू रहेगा? जो मूल अधिकार खान सर पढ़ा रहे हैं, भाग तीन, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, बसने की आजादी, दुकान डलाने की आजादी, छुआछूत से मुक्ति, कहेगी सब मुक्ति साइड में रखे। यहाँ पे जहां सेना खड़ी गई, वाट लगा देगा भाग तीन का। अब सेना खड़ी है वहां पर, पूरा जवान तैनात है सब, उसमें आप कहेंगे वाह खान सर पढ़ भी किए हैं, 19-4 घूमने की आजादी, मारेगा 20-5 सूख जाएंगे वहां पर। इसलिए जहां सेना खड़ी रहती है ना, वहां पहले ही एक बोर्ड लगा देता है, कंटोनमेंट एरिया, सेना का क्षेत्र, छावनी। जैसे जाएंगे दानापुर कंटोनमेंट, रोड पे ट्रैफिक पुलिस पे वहां नहीं लिखा रहेगा पटना पुलिस, लिखा रहेगा दानापुर कंटोनमेंट एरिया, शांति से रहिएगा। एगो विधायक जी को वहां पे ना सड़क बनाना था, तो आ गए जेसीबी यूसीबी लेके पारिश कराने की, ये सड़क बनाइए, फोटो वोटो खिंचवाने लगे। आए सब सेना वाले, जेसीबी यूसीबी उठा के रख लिया, निकले यहाँ से, सड़क बनाएंगे यहाँ। दादाजी का सड़क है ये, हम लोग सबसे बड़का हम लोग हैं, लोग कौन सेना वाले, नहीं बनेगा, कर्नल साहब से परमिशन लीजिए। तो बहुत बड़ा पावर होता है किसका, आर्मी का। तो जहां सेना का कानून लगेगा वहां भारतीय संविधान लागू होगा। अरे भैया होगा यार, कौन सा नहीं लागू हो, तीन पूरे संविधान में हम लोग को सबसे ज्यादा फायदा किससे है, भाग तीन। यही वो संविधान है जो हम लोगों को कुछ देता है, बाकी तो राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री वो, हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थोड़े हैं। सेना का कानून लगते भाग तीन खत्म, चाचू करते रहिए, थूर देंगे सब। जम्मू कश्मीर में आधा दिन कौन सा कानून लगा रहता है, सेना वाला। तो जहां कहीं सेना का कानून लगता है वहां आपका भारतीय संविधान लागू रहता है, केवल किसे साइड कर दिया था, भाग तीन को। मान के चलिए कोई कंटोनमेंट एरिया, बड़ा सा कंटोनमेंट एरिया, ये इतना एरिया में कौन है, सेना है, इधर भी शहर है, इधर भी शहर है, इसमें अगर आपकी क्या जाएगी, सड़क जाएगी, तो इस सड़क पर कंट्रोल किसका रहेगा, सेना वाला। अतनी इस पे बाएं दाएं करके दिखाइए, लहरिया कट मारिए, जैसे लड़कों से लड़की को देखा ना, धड़ाम से लेके भाग जाएगा सर। अरे अजब, आराम से लेके जाओ, मान के चलो उसको लिफ्ट लेने का मन रहेगा तो धड़ाम से लेके भाग गया है। कहीं दो जा, थोड़ा नंबर प्लेट देखने के लिए बैठे हैं हम, यहाँ जाके लहरिया कट मारिए ना, उतार के अब बिना किसी मशीन के टैटू बनाएगा, लेके डंटा मार हालत खराब कर देगा, और तब जाके कहिएगा अनुच्छेद 19-4 घूमने की आजादी। कहेगा कि बेटा हम लोग हैं 34 के तहत, हमें है थूरने की आजादी। सेना में अगर खाना अच्छा नहीं मिला, आपका ये हमारी मांगे पूरी हो, खाना अच्छा नहीं मिला, निकाल के फेंक देगा बाहर, भगा यहाँ सेना से, निकाल देगा हमेशा के लिए आपको। क्या कहता है, लड़ने आए हैं, खाना खाने नहीं, और लड़ाई के लिए क्या जरूरी है वो दिया जाता है, शौक पूरा करने के लिए वहां नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ क्या कहते हैं, पढ़ने आए हैं, पढ़ाई मिलेगा, बाकी चीज कुछ नहीं मिलेगा। फोन करिए ना, फोन नहीं उठाएगा कोई। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।